गाइस, तो आज हम आ गए हैं गलगोटिया का रिव्यू लेकर। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि गलगोटिया का रिव्यू पे वीडियो बनाओ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी चल रहे दोनों, और काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है। तो आज हम आ गए हैं श्रेयांश गुप्ता के पास, जो कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है और फोर्थ ईयर में है अभी। तो इनके सारे एक्सपीरियंसेस के बारे में जानेंगे, और पूरा फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक जो कॉलेज लाइफ होता है, एडमिशन प्रोसेस से लेकर प्लेसमेंट तक का सफ़र, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बारे में, और कुछ कॉलेज का भी पार्ट हम कवर कर लेंगे उसमें। तो चलो, कुछ क्वेश्चंस हैं तो उस पर डिस्कस करते हैं, और इनका एक्सपीरियंस जानते हैं कि क्या है गलगोटिया यूनिवर्सिटी, और ऑल ओवर सारी चीज़ें ए टू जेड आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ शुरू करते हैं। मेरे साथ रोहित है और मैं श्रेयांश हूँ, आप जानते हो। ये मुझसे क्वेश्चन पूछेगा, मैं सवालों का जवाब दूंगा। तो गाइस, हियर इट बिगिंस। आप भी सुनना, हम भी जानेंगे, चीज़ों के बारे में पता करेंगे। लो रोहित। तो श्रेयांश जी, मेरा पहला सवाल ये है कि जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, इसका कैंपस टूर के बारे में बताओ, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताइए कि क्या है ऑल ओवर कॉलेज का व्यू, इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें। देखो, गलगोटिया यूनिवर्सिटी अभी भी ऐसा यूनिवर्सिटी है जो कि अभी बन रहा है, ठीक है। अभी ए बी सी डी ई ब्लॉक तक तैयार हो रखा है, अभी इनका पूरा का पूरा अकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बन रहा है। साथ के साथ इनका पूरा एमबीबीएस का सेक्शन, जो कि आपका पूरा पीएचडी कोर्स, साथ में पूरा का पूरा बीटेक और आपका मेडिकल विंग के लिए प्रॉपर अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, 52 एकड़ में पूरा पूरा फैला हुआ है गलगोटिया यूनिवर्सिटी, ग्रीनरीज है काफ़ी। और ये है कि थोड़ा आउटस्कर्ट में होने की वजह से, परी चौक से लगभग लगभग ये 12 किलोमीटर के आसपास दूर है, तो वो थोड़ा आउटस्कर्ट पड़ जाता है, और उसकी वजह से वहाँ पे हरियाली अभी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पूरा कैंपस आपको हरा भरा दिखेगा, कई सारे ग्राउंड्स मिलेंगे आपको, भरपूर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, लाइब्रेरी से लेकर के आपको प्रॉपर जिमिंग फैसिलिटी मिलेगी, और आपको जो जो चीज़ें चाहिए होंगी आपके अकॉर्डिंग सब चीज़ें हैं। आपको अगर कुछ खेलना है, पूल चाहिए, कैरम है, इंडोर एक्टिविटीज़ हैं, फुटबॉल के लिए स्पेशल ग्राउंड है, आपका बास्केटबॉल कोर्ट है, जो भी आपको स्पोर्ट्स के अंदर इन्वॉल्व होना है, किसी भी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होना है, उसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर गलगोटिया यूनिवर्सिटी के अंदर है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, और एक इन जनरल प्रोस्पेक्टस अगर आप देखेंगे ऑनलाइन भी तो आपको मिलेगा ये सब चीज़ें। चलो, तो ये सारी जानकारी जानकर अच्छा लगा, और जो भी बच्चे देख रहे होंगे उनको काफ़ी हेल्प मिल रहा होगा। तो हमारा मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये कौन कौन से एकेडमिक प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी, तो ज़रा उसके बारे में फोकस करो। पर्टिकुलरली इनका ज़्यादा फोकस, जहाँ तक मैंने देख नोटिस किया है, बीटेक पे ज़्यादा रहता है, लेकिन बहुत सारे इनके पास ऐसे कोर्स हैं जो कि पूरे एनसीआर रीजन, और इवन मैं कहूँ कि दिल्ली के आपके टॉप प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। ये इवन बीएससी फॉरेंसिक से लेकर के आपका बैचलर ऑफ साइंस का पूरा सेगमेंट कवर करते हैं, जिसके अंदर आपके हर एक तरह के कोर्सेज हैं, माइक्रोबायोलॉजी, आपका पूरा पूरा फिजियोथेरेपी से लेकर के आपका फॉरेंसिक साइंस लेके अलग अलग चीज़ें, ठीक है। फिर आपका बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसके अंदर इनके कई ब्रांचेज हैं, जो कि आपका पूरा पूरा, अगर आपको बीटेक नहीं करना तो बंदे बीसीए करते हैं आजकल, बीसीए एमसीए करते हैं, तो ये सीन है। और फिर अगर हम पर्टिकुलरली बात करें बीटेक प्रोग्राम्स के अंदर, तो इनके पास 3-4 स्पेशलाइजेशन है, और साथ के साथ बीटेक कोर है जो इनका बहुत ज़्यादा हार्डकोर हिटिंग है, और इनकी एक तरह से कह सकते हो एनसीआर रीजन के अंदर महारत तो है कि इनको बीटेक कैसे करवाना है, क्योंकि हर साल लगभग लगभग ये 3000 इंजीनियर प्रोड्यूस करते हैं, और अगर आप पूरे एनसीआर में देखोगे ऐसा कोई कॉलेज नहीं होगा जो 3000 इंजीनियर ऐसे प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अगर मैं सेकंड पे कंसीडर करूँ तो एलपीयू एमिटी के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी कैसा होगा जो कि इतने इंजीनियर लेके आ रहा है ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। तो ये अकेडमिक प्रोग्राम्स के अगर आप सोचोगे तो ये तो बात है, और बाकी अगर आप फैकल्टीज़ और इन सब चीज़ों के अंदर जा रहे हो तो एट द एंड यही होता है कि फैकल्टीज़ आपको तब सपोर्ट करेंगी जब आप इनिशिएटिव खुद लोगे, ठीक है। फैकल्टीज़ आपके साथ मिल के काम करा सकती हैं, आपको जो डाउट है सब क्लियर हो सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए फैकल्टीज़ के साथ इन्वॉल्व होना होगा। इतने बच्चों में एक एक बच्चे पर ध्यान देना फैकल्टीज़ के लिए मुश्किल है, और इन जनरल ही मुश्किल है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें और इसमें अगर रह गई है, तो जैसे कि एकेडमिक प्रोग्राम्स की बात करते हैं सारे, जैसे कि सारे मतलब आपने कवर कर दिया, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब अगर बीटेक के लिए देखा जाए, क्योंकि बीटेक अभी ट्रेंडिंग पे चल रही है ना, तो बीटेक में जैसे बच्चे सीएस लेते हैं, आईटी लेते हैं, मशीन लर्निंग, ये सब में सारे डेटा साइंस वगैरह, तो ये सारे ट्रेंडिंग में, मतलब फ्यूचरिस्टिक सारी चीज़ें है ना, तो इसमें कौन सा लैंग्वेज है जिसपे हमें फोकस करना हो अगर कोई बच्चा
टेक्निकल फील्ड में जा रहा है तो, है ना? देखो तो अगर पर्टिकुलरली अब हम बीटेक की बात करते हैं, ठीक है, थोड़ा बीटेक का पहले कवर कर लेते हैं, बाकी उसका सेपरेट वीडियो बना भाई, लेंगे भाई, 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 भाई। अगर आपको और डाउट होंगे तो हम बीटेक पे एक सेपरेट लेके भी आ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर बात कर लेते हैं। बीटेक पर्टिकुलरली गलगोटिया यूनिवर्सिटी के अंदर तीन फील्ड के अंदर होता है, ठीक है, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। बाकी और जितने बीटेक के ब्रांचेज हैं वो गलगोटिया कॉलेज के अंदर होते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं होते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी में सिर्फ ये तीन बीटेक होते हैं। अब बीटेक कंप्यूटर साइंस के अंदर इनके पास कोर है और स्पेशलाइजेशन है। स्पेशलाइजेशन के अंदर जैसे आपको आईओटी चाहिए, आपको मशीन लर्निंग चाहिए, आपको क्लाउड कंप्यूटिंग चाहिए, ये सब आपके स्पेशलाइजेशन के अंदर हो गए। अब मेन बीटेक के अंदर बच्चों का फोकस यही होता है कि लैंग्वेज क्या होगा। लैंग्वेज बच्चे पूछते रहते हैं, लैंग्वेज कौन सा करना है, कैसे करना है, प्लेसमेंट तक कैसे पहुँचेंगे, हमारा 4 साल का ट्रेनिंग प्रोसेस कैसा होगा। ठीक है, समझता हूँ मैं सारी चीज़ों को, लेकिन इतना कहूँगा लैंग्वेज का सिलेक्शन आपका खुद का होना चाहिए। अब लैंग्वेज सिलेक्शन आपका किस चीज़ पर डिपेंड करता है वो मैं भले बता दूंगा। लैंग्वेज सिलेक्शन अगर आपने 11th 12th में जो भी लैंग्वेज पढ़ा है, आज के डेट में मेरे को लगता नहीं है कि आप कोई C++ पढ़ता होगा। हमारे टाइम पे हमने C++ पढ़ा था, इसलिए हमारे लिए C++ आसान था, ठीक है। एक कैटेगरी होता है, अगर आपने 11th 12th में C++ पढ़ा है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो पूरे कॉलेज लाइफ तक, और वो अच्छा रिजल्ट देगा, आउटपुट देगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने C++ नहीं लिया है, अगर आपने जावा लिया था 11th 12th में, तो आप जावा के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर सीखना भी है, फर्स्ट ईयर से भी सीखना है, तो मैं कहूँगा जावा लेके सीखो, ठीक है। अगर पाइथन है आपके पास, क्योंकि आज के डेट में काफ़ी स्कूल्स कॉलेजेस पाइथन करवा रही हैं, तो आप पाइथन पे भी स्टे कर सकते हो। पाइथन का ब्रॉड स्पेक्ट्रम बढ़ चुका है, पाइथन आज के डेट में वास्ट यूज़ हो रहा है। मशीन लर्निंग के सारे कंसेप्ट पाइथन पे बेस्ड हैं, नमपाई आपका सब कुछ लेके, जितनी भी लाइब्रेरीज हैं सब कुछ पाइथन पे बेस्ड है, तो आप पाइथन के लिए भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी लैंग्वेज के अंदर। खाली प्रेफरेंस आपका होना चाहिए, आपको किसके अंदर कंफर्ट जोन है, ठीक है। इतना कहूँगा मैं लैंग्वेजेस के बारे में, बाकी आगे चलते हैं। तो हमने काफ़ी एकेडमिक्स प्रोग्राम सारा ओवरव्यू ले लिया है कि क्या कैसे जाना है, क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें कॉलेज में क्या क्या करवाते हैं। तो अब हम चलते हैं कि कॉलेज में यूनिवर्सिटी में कल्चर एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी कैसा है, क्योंकि काफ़ी फेमस है इस चीज़ों में। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो डिफरेंस बता देता हूँ। अच्छा हाँ, काफ़ी बच्चों को ये भी नहीं पता होता है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो कॉलेज क्या होता है कि एक कॉलेज एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो कि पर्टिकुलरली सब डिवाइडेड होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। जैसे इसका AKTU यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर NIIT, गलगोटिया कॉलेज और कई सारे AKTU के कॉलेजेस हैं जो उसके अंदर लाई करते हैं, ठीक है। और यूनिवर्सिटी जो होता है वो डीम्ड होता है कोई एक, और कोई एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी होता है जो कि एक ऑटोनमस होता है और साथ के साथ कंट्रोल्ड बाय इट्सेल्फ होता है, ठीक है। उसके सारे प्रोग्राम्स, उसका सब कुछ वो खुद ही कंट्रोल कर रहा होता है, कोई इंटरफ्रेंस नहीं होता है किसी भी दूसरे बाहर का, ठीक है। यूनिवर्सिटी सेल्फ ओन्ड होता है, तो ये डिफरेंस होता है। कॉलेज कंपैरेटिव छोटा होता है, यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के एग्जांपल LPU यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल, आपका थापड़ यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, गलगोटियाज यूनिवर्सिटी, कई सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। और अब आपने पूछा था कल्चरल स्पोर्ट्स के बारे में, कल्चर एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी के बारे में बताओ, थोड़ा फोकस करो, बच्चे उसमें थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। सही बात है, मेन वही होता है, अपना एक्स्ट्रा करिकुलर हमेशा स्ट्रांग रखना चाहिए, ये मेरा भी मानना है और बहुतों का मानना है, ठीक है। अब गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें, गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है यहाँ की बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के कंपैरिजन में। गलगोटियाज यूनिवर्सिटी जो कि बहुत बड़ा है, उसकी वजह से इनके पास काफ़ी सारे क्लब्स और सोसाइटीज़ हैं। अब क्लब्स और सोसाइटीज़ का रोल क्या होता है, जैसे गलगोटियाज मैनेजमेंट है, उसके बाद गलगोटियाज मार्केटिंग क्लब है, ग्राफिक्स है, और आपके पास कैम सर्कल है, ये सब डिफरेंट डिफरेंट रोल प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद एक प्रॉपर एक एंटरप्रेन्योरशिप सेल है, ठीक है। ये सब क्या है, ये पर्टिकुलरली आपके ग्रोथ के अंदर कैसे पार्ट देंगे ये मैं बताता हूँ। अब जैसे आपको मैनेजमेंट स्किल सीखना है, आपको कल को MBA करना है या कुछ भी करना है, अगर आपके पास गलगोटियाज मैनेजमेंट क्लब का कोई आपके ऑथराइज है कि आपने इसके लिए काम किया है, तो आपका एक CV जो है अलग रिफ्लेक्ट करेगा उनके लिए कि आपके पास मैनेजमेंट स्किल्स हैं, आपने ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग लिया उसके थ्रू, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी से क्लब एंड सोसाइटी बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं आपके लाइफ लॉन्ग जर्नी के ऊपर, ठीक है।
अब कोई बंदा कल को मार्केटिंग फील्ड में जाना चाहता है, मार्केट करना चाहता है चीज़ों के अंदर, मार्केटिंग एक बहुत वास्ट है। मैंने बहुत से ऐसे बच्चे देखे हैं जो सेल्स एंड मार्केटिंग में जाते हैं गलगोटियाज, मतलब किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू, मैं सिर्फ गलगोटिया की बात नहीं कर रहा। अगर आपने बीटेक किया है चाहे कुछ भी किया है, आप जाना चाहते हो मार्केटिंग फील्ड के अंदर, कंसल्टेंसी के अंदर जाना चाहते हो, तो मार्केटिंग आपको एक बहुत बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस देगा। आपका पीआर, पब्लिक रिलेशन, आपके टॉकिंग स्किल्स, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, सब कुछ इनडायरेक्टली डायरेक्टली सब इससे इम्पैक्ट होंगे और आपको एक बेनिफिट तो मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप सेल, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योरशिप आज के डेट में एक हॉट टॉपिक रहा है, हमेशा से रहा है और आगे भी कुछ टाइम रहेगा, क्योंकि स्टार्टअप कल्चर ये सब बहुत बूमिंग सेक्टर्स हैं। ठीक है, लोग काफ़ी ज़्यादा इग्नाइट होते हैं जब स्टार्टअप्स की बात करते हैं। तो अब आपको एक प्लेटफॉर्म हमेशा चाहिए होता है अपने कुछ भी स्टैंड आउट करने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि आपने अपना दिमाग में कोई आइडिया सोचा और बस मन कर गया कि इसको बनाना है और बिना सपोर्ट के आप कुछ कर लोगे, कर सकते हो लेकिन बहुत मेहनत लग जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर प्ले करता है एंटरप्रेन्योरशिप सेल, आपका कोई भी आइडिया है उसको ग्रूम करना, उसको बढ़ाना, उसको आगे एक अलग लेवल पर पहुँचाना, ताकि आप कल को अच्छे लेवल पर प्लेस हो सको। एक एग्जाम्पल दूंगा, मेरे ही जानने वाले भैया हैं, शुभम भैया, ठीक है, स्टॉक पे आज के डेट में कंपनी है जिसका वैल्यूएशन 100 करोड़ से ऊपर हो चुका है, जो कि हमारा खुद का एंटरप्रेन्योरशिप सेल उसको ग्रूम किया, उसको इनक्यूबेट किया है। तो ये मेरे लिए प्राइड की बात है कि हमने एक स्टार्टअप को इतना बड़ा बनाया कि आज उसका 100 करोड़ का वैल्यूएशन है और कल को वो धीरे धीरे इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं कि यूनिकॉर्न बन जाए, और यूनिकॉर्न बनना एक अलग ही लेवल की बात होती है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। ठीक है, 4D ऑटोमेटिव साइकिल के दुनिया के अंदर एक अलग नया उभरता हुआ नाम है। ठीक है, आप सर्च करोगे आपको बहुत कुछ मिलेगा। आप पाजसु हेल्थ केयर सेक्टर, अलग अलग डोमेन्स के अंदर स्टार्टअप्स हैं और आगे काम कर रही हैं। अभी यूनिवर्सिटी ने माइलस्टोन अचीव किया जो कि हमारे मेरे अंडर ही हुआ है। मैं यूनिवर्सिटी मतलब एंटरप्रेन्योरशिप सेल के अंदर ट्रेजर रहा हूँ, साथ के साथ एडवाइज़र रहा हूँ। ठीक है, इवेंट्स करवाए हमने, लॉन्च पैड करवाया है, अश्नीर ग्रोवर से लेकर के अमन गुप्ता, हमने बड़े बड़े लोगों को बुलाया है। ठीक है, तो ये सब एक प्लेटफॉर्म सेट करता है आपके लिए। ठीक है, एक प्रॉपर कल्चर प्रोवाइड करता है एंटरप्रेन्योरशिप का। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है, लेकिन हाँ आप भी आओगे आपको भी एक्सपीरियंस मिलेगा। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो ईसेल इन जीयू, हाँ, इसके लिए एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो कवर करें हम, हाँ, ताकि हाँ, स्टार्टअप के लिए बच्चों को थोड़ा मोटिवेशन मिल सके अगर वो उस फील्ड में जाना चाहते हैं। एग्जैक्टली मैं तो चाहता हूँ कि मैं एक प्रॉपर डेडिकेटेड आप सबके लिए एक वीडियो बनाऊँ जिसके अंदर मैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपको A to Z बताऊँ क्या होता है और कैसे आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो, इसके ऊपर भी बताऊँ। ठीक है, और मेरा मन करेगा कुछ भी ऐसा कुछ बताना जिससे आपका बेनिफिट हो सके, इसके लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा और आगे सोचूंगा जो भी है। पिछले 2 सालों से काम कर रहे हो, वही वही तो वही सारी चीज़ें बताओगे कि कैसे ज़रूर गलगोटिया यूनिवर्सिटी और एक्स्ट्रा भी बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। इसके ऊपर हम पूरा एक वीडियो बनाएंगे, कोई फॉर्मेलिटी वीडियो नहीं है, सारी चीज़ें ग्राउंड रियलिटी से, कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, हाँ। सारी चीज़ एक्सपीरियंस के बेस पे कि वहाँ पे जाने के बाद सच्चाई क्या है। मैं बता रहा हूँ नेकेड ट्रुथ है, जिसको कहते हैं नंगा सच। एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ, मैं आपको डिसएडवांटेज बताऊंगा, कुछ आपको फॉल्ट बताऊंगा कि गलगोटिया में गलती क्या क्या है, वही बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं खाली आपको सही से पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, आपको मैं दूसरा साइड भी दिखाऊंगा गलगोटिया में का दूसरा साइड क्या है। ठीक है, लेकिन हम पहले चीज़ें कवर कर लेते हैं ताकि आपको आगे डाउट ना रहे। काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें उनको भी कवर करना पड़ता है ना, तो नेगेटिव चीज़ें कुछ चीज़ें तो उसको भी कवर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा लास्ट एंड बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लेसमेंट से रिलेटेड, गलगोटिया यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट कैसा है, क्या मतलब सारी कॉलेज के कंपेयर में बढ़िया है या देखो टॉप है, क्या है? प्लेसमेंट, पहला डिस्क्लेमर मेरा यही है, प्लेसमेंट बच्चे के टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज के ऊपर। ठीक है, डिपेंड करता है, मैं इतना कहूँगा कि 80-20% का रेशियो होता है, 80% आपकी मेहनत, 20% कॉलेज यूनिवर्सिटी की देन। ठीक है, अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं ये बताता हूँ। हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर एक बच्चे का 1.5 करोड़, इसका हिसाब आप लगा लेना, 1.5 करोड़ का पैकेज लगा है अभी रिसेंटली, मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है। ठीक है, अब अगर कोई बंदा मुझसे पूछे उसका पैकेज यूनिवर्सिटी ने लगवाया कि उसने खुद लिया, तो मैं कहूँगा उसका पैकेज उसको खुद ने लिया, उस बंदे ने, उसकी मेहनत ने उसको वो पैकेज दिलवाया, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी उतना आता तक नहीं था। मेरे को पता है वो क्या कहते हैं, एक सोसाइटी है, उसका प्रेसिडेंट था, ठीक है, बुक सोसाइटी है,
तो उसका प्रेसिडेंट था, साथ से उसका एक्सपीरियंस ये था कि वो चीज़ों के साथ फर्स्ट ईयर के साथ लगा हुआ था, कि उसको इस फील्ड के ना जाना, उसको कोडिंग पसंद था, उन सब चीज़ों के बारे में पता था, और वो डेडिकेटली अपने लिए काम कर रहा था, वो सिर्फ अपने इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर रहा था, ठीक है। और उसने इतना बड़ा प्लेसमेंट लिया, पैकेज लिया, तो वो उसकी खुद की मेहनत है, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी कॉलेज ने क्या किया उसके लिए, यूनिवर्सिटी कॉलेज ने उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करवाई, ठीक है, उसको बैक एंड सपोर्ट दिया कि हाँ अगर आपको कुछ करना है तो हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपको कुछ सीखना है तो हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सीन होता है हर एक इन एंड आउट, अगर मैं बताऊँ तो हर कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर यही सीन होता है, चाहे वो NIIT हो चाहे वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी हो, मैटर खाली कल्चर का करता है। कल्चर इसलिए मैटर करता है क्योंकि आप किसी प्रीमियम इंस्टीट्यूट के अंदर हो, लोग कहते हैं IIT NIIT सब के अंदर क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि उसके अंदर बच्चे कॉम्पिटिटिव फेज से होके आते हैं, JEE मेन्स एक टफ फेज़ होता है, तो कुछ सिलेक्टिव बच्चे जाते हैं, तो जब ब्राइट माइंड जाते हैं तो उनका सोच, उनका कल्चर भी ब्राइट होता है, वो इस लेवल पे सोचते हैं कि हाँ हमको काम ही उस लेवल से करना है, ठीक है। अब यही गलगोटियाज है या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है तो उसके अंदर बच्चे कैसे भी आ जाते हैं, ये है, ठीक है, मैं ये कहूँगा यही इसका एक बैड साइड है कि इसके अंदर एडमिशन मिल जाता है बच्चों को, जिसका भी आप मान लो JEE मेन्स के अंदर पास हो रखे हैं, निकल चुका है JEE मेन्स, तो उनको एडमिशन आराम से मिल जाता है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, खाली आपका JEE मेन्स पास होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट के अंदर, साथ साथ एक डिसेंट मार्किंग हो, आपका रैंक हो, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा गलगोटिया यूनिवर्सिटी के अंदर, और 12th के अंदर परसेंटेज 70 से ऊपर हो तो आपको इतना है कि एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी नॉर्मल प्लेसमेंट अगर सोच रहे हैं तो, बात मैं ये करना चाहता हूँ कि बच्चे का कमेंट आने वाला है अभी, जो चीज़ नहीं बोलने वाला हूँ मेरे माइंड में, मिनिमम पैकेज क्या है, एवरेज पैकेज क्या है, और ये हाईएस्ट पैकेज क्या है, ये तीन बहुत कमेंट्स आते हैं मेरे पास। वही वही, क्योंकि ये मेन बात भी है तो मैं बता देता हूँ। तो देखो हाईएस्ट पैकेज मैंने आपको बता दिया 1.5 करोड़ लगाया अभी, ठीक है, ये रिसेंट का है, ये इसी साल अभी 2-3 महीने पहले लगाया, ठीक है। सूर्यांश नाम है, सूर्यश नाम है, आप अभी सर्च कर सकते हो गूगल पे, ठीक है, उसका 1.5 करोड़ का पैकेज लगाया। और बाकी अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें कि एवरेज पैकेज क्या लगता है बच्चों का, तो एवरेज पैकेज बीटेक सीएस की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी ब्रांचेस को मत कंसिडर करना, लोग कंफ्यूज कर जाते हैं बाकी ब्रांचेस के साथ, सिर्फ बीटेक सीएस की बात कर रहा हूँ, तो बीटेक सीएस का इनका एवरेज पैकेज अराउंड 5 लाख से लेकर 7 लाख के बीच का होता है, ठीक है। ये मैंने आपको क्लियर कट बताया है 5 से 7 के बीच का, ठीक है, ये रियलिटी है, ठीक है, कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा मैं। लेकिन हाँ, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के पास एडवांटेज ये है कि इनके पास कंपनीज अच्छी आती हैं, ठीक है, प्लेसमेंट जो हम बात करते हैं, हाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब आपको फोड़ना आपको है, ठीक है, कुछ कॉलेजेस मैंने देखे हैं जिसके ना कंपनीज नहीं आती हैं, ठीक है, वो लोकी कॉलेजेस होते हैं, उनके पास कंपनी, आपको खुद मेहनत करी कंपनीज ढूंढने में भी, ठीक है। यहाँ खाली गलगोटिया यूनिवर्सिटी के पास आपके पास ऑप्शन ही है कि आपके पास कंपनीज आएंगी, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सी कंपनीज आती हैं वो एक भी बच्चा नहीं लेके जाती हैं, क्योंकि उनको उस टैलेंट का कोई नहीं दिखता है। तो एट द एंड यही है कि टैलेंट इज़ अबव एवरीथिंग, आपका आप अगर फर्स्ट ईयर से अपने स्किल सेट पे काम कर रहे हो, साथ साथ मेहनत कर रहे हो, तो आपको डेफिनेटली 1.5 करोड़ के या 2-2, 3-3 करोड़ की अपॉर्चुनिटीज़ हैं मार्केट के अंदर। आपका एब्रॉड मार्केट अपॉर्चुनिटी आज के डेट में बहुत ज़्यादा है, जो कि इंडियन चाहते हैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के अंदर, तो मैंने अभी खुद देखा है कि 2-2 करोड़ की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। 4 करोड़ का पैकेज IIT दिल्ली का गया है, वो इसलिए गया है क्योंकि वो प्रॉपर एनालिसिस कर सकता था स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के ऊपर, ठीक है, तो इसलिए उसका पैकेज इतना गया है। तो आज के डेट में फील्ड कई सारे हैं, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कैसे क्या कर रहे हो। तो हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली आज, तो मैं बस ये लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि ऑल ओवर शॉर्ट में बताना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है ना, तो जो फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर तक, या फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक अब तक का जो एक्सपीरियंस है, ऑल ओवर व्यू, मतलब ऐसे कुछ अगर कैसा रहा है मेरा एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस बेसिकली बताओ कि क्या है, मतलब कैसा रहा एक्सपीरियंस। देखो मैं फर्स्ट ईयर में आया था, मेरा ऑनलाइन सेशन हुआ था, फ्रैंकली बता रहा हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा ना ये था क्योंकि मेरे को NIIT सिलचर मिल रहा था, लेकिन कोरोना का टाइम था, नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सा ये लग रहा था, इसलिए मैंने गलगोटिया यूनिवर्सिटी के अंदर अपना लिया था, ठीक है, मेरे को लेट भी हो गया था, तो इस चक्कर में थोड़ा फर्स्ट ईयर मेरा ऐसा लोकी रहा था, क्योंकि मेरे को लगा कि मैंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। लेकिन उस चक्कर में मैंने कभी ऐसा नहीं होने दिया कि इस यूनिवर्सिटी को या इस कॉलेज को मैंने मिस आउट किया ज़्यादा, हाँ थोड़ा सा लगा था, लेकिन फिर सेटल हो गया चीज़ें। लेकिन जब से यूनिवर्सिटी ऑफलाइन खुला है, मेरे को एक वंडरफुल, एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। सो गाइस, रैपिंग दिस अप, बहुत लंबा वीडियो बन गया हमको पता है, ठीक है, हमने भी बहुत मेहनत की है, लाइट अंधेरा हो चुका है।
भाई शाम से वीडियो शूट कर रहे हैं, अंधेरा हो गया। पहले अंदर करने का सोच रहे थे लेकिन हमने सोचा कि आज का आप नेचर से हवा हवा चला था, अच्छा मस्त लग रहा था, तो हमने बाहर किया। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस, बहुत मेहनत करते हैं हम आपके लिए, आपके लिए कॉन्टेंट लेके आते हैं स्पेसिफिकली। और आपको और कुछ भी जानना हो हमें कॉमेंट में हमेशा बताओ, हमको एक आइडिया मिलता रहता है कि ऑडियंस क्या चाहती है। सारे कॉमेंट का रिप्लाई करते हैं, जितने भी बच्चे कॉमेंट करते हैं सबका रिप्लाई करता हूँ जितना। और हम एक एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, जब हम कुछ बताते हैं तो हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर उसको लेते हैं और उसको आगे चल के जो भी डाउट्स हैं क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट गाइस, लाइक कमेंट सब्सक्राइब सारे करते हैं, बारा बोल देते हैं यार, कर लेना यार, सब्सक्राइब कर दो जिसको भी हेल्प चाहिए होगा एडमिशन रिलेटेड गलगोटिया यूनिवर्सिटी में। आप इंस्टा डीएम कर सकते हो, आप व्हाट्सएप पे, चलो कोई बात नहीं, इंस्टा पे डीएम करो, पढ़ने पे कोई नहीं, कॉन्टेक्ट पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, सबसे बेस्ट तरीका है, हम कमेंट पढ़ते हैं, हर एक वीडियो का पढ़ते हैं, जो भी जेन्युइन लगता है कि हाँ इसके ऊपर बताना चाहिए हमको, हम नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली ट्राई करते हैं कि हम उसके ऊपर काम करें। हमने एनआईटी के लिए एक्स्ट्रा वीडियो आपके लिए लेके आए ताकि आपको पता चल सके कि और आपकी जो सवाल है वो कवर हो सके। ठीक है, इसके लिए भी हम लेके आएंगे, अगर आपको कुछ होगा स्पेसिफिकली हम करेंगे काम, तो एक क्यों ना वीडियो शूट कर लेंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे सबका एक सारा पर्टिकुलर वीडियो शूट कर लेंगे। लाइक कमेंट सब्सक्राइब सारे कर देना भाई, थोड़ा मेहनत लगा, स्टोरेज ऑलरेडी फुल हो चुका है। ठीक है गाइस, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, इतनी मेहनत करवाओ हमसे कि हम भी आपके लिए और डेडिकेटेड हो जाएं।